आपके पास क्वालिफिकेशन है पर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को सबसे पहले एजुकेशन चाहिए और उसके बाद नॉलेज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव। मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे चैनल को आवर ब्रेन आवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटर्नशिप क्या होती है, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और इनका क्या हमारी लाइफ में योगदान है और ये कितने बेनिफिशियल होते हैं और इनसे हम क्या क्या अपनी लाइफ में फायदा उठा सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफाइड है कुछ ही लोगों के लिए, ये उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी प्रोफेशनल कोर्सेस कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में भी है इंटर्नशिप और जो एक्स्ट्रा भी अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हैं। दूसरा उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आए हैं और वो अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं। तो चलते हैं जर्नी पे। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप जुड़े रहेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होती क्या है? कई बार तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि होती क्या है, क्योंकि नए नए ग्रेजुएशन में जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, उससे पहले उन्होंने नहीं की होती है और की होती है शायद उतनी सीरियसनेस से नहीं की होती है, तो उनको पता ही नहीं होता। इंटर्नशिप एक कोर्स होता है, डिजाइन कोर्स, जिसके अंदर आप कुछ टाइम तक वो 100 आवर्स 120 आवर्स कुछ भी यूनिवर्सिटीज के अपने फॉर्मेट बने हुए हैं उसी फॉर्मेट के अंदर आपको वो करना होता है। तो कुछ होती है इंटर्नशिप कंपलसरी होती हैं, कुछ आप नॉन कंपलसरी होती है बट आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो हमें समझने की जरूरत है कि इंटर्नशिप होती क्या है। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि इनके यहां तो ये कंपलसरी है। प्रोजेक्ट कराते हैं, प्रैक्टिकल्स कराते हैं और आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है और प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ये सारी चीजें आपसे करवाई जाती हैं। तो आपको मालूम होता है कि ये सब करना जरूरी है, अदरवाइज आपको वो क्वालिफिकेशन की डिग्री नहीं मिलेगी। तो आपका बेसिक पेपर है वो एक किस्म से, लेकिन आपको करियर में ग्रो होना है। तो कैरियर में ग्रो के लिए आपको प्रैक्टिकल इंटर्नशिप आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो उसके अंदर कई सारे गैप्स आ जाएंगे। आज मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितनी जरूरी है और इसको आपको कितना सीरियसली करना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि इसका पाथ क्या होता है लाइफ में। सबसे पहले आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, कितने लोग जेई मेंस के अंदर बैठते हैं, कितने नीट में बैठते हैं, एमबीए के लिए कैट में बैठते हैं, बट कितने लोग क्वालिफाई होते हैं। साइकोलॉजिकल के लिए भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्राई करते हैं, एमएससी साइकोलॉजी में जाने के लिए ट्राई करते हैं, बट कितने लोग क्वालिफाई होते हैं। तो आपका पहला बैरियर होता है एजुकेशन। आपके पास वो एजुकेशन होनी चाहिए, वो ऑथराइज डिग्री होनी चाहिए जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट भी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक टेस्ट आता है, आप अपना इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम बहुत सारे फील्ड हैं हमारे पास करने के लिए, हम बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं, पर आपका बेस्ट कौन सा है वो निकल के आ सकता है। आपके अगर अंडर एम्प्लाइज हैं, कौन से एम्प्लाई आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, ये सारा का सारा एक सिंगल टेस्ट में निकल के आ सकता है। ये आपको प्रोफेशनल करियर में भी हेल्प करता है और स्टूडेंट करियर में भी हेल्प करता है। तो ये टेस्ट हो गया। खैर इसमें डीप में नहीं जाएंगे, कभी इसको अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसमें ही पहले बैरियर होता है। कितने लाखों लोग बैठते हैं बट कुछ ही हजारों लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आप उन सिलेक्टेड लोगों में से हो जिनके पास वो एजुकेशन है, जिनके पास वो डिग्री है। अब आते हैं, डिग्री हो गई उसके बाद आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और नॉलेज में बहुत फर्क है।
180 डिग्री का शूट से, आपके पास क्वालिफिकेशन है पर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को सबसे पहले एजुकेशन चाहिए और उसके बाद नॉलेज चाहिए, नहीं तो फिर हमारे पास देसी राग है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश ग्रो नहीं कर रहा, गवर्नमेंटें खराब है, कोई भी गवर्नमेंट रहे, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, तो कोई भी गवर्नमेंट रहे तो हम हमेशा ब्लेम में ही रहेंगे। बट हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है हमारी एजुकेशन कंप्लीट है और उसके साथ हमारी नॉलेज है या नहीं। हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमें नॉलेज है या नहीं, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अगेन यू कैन गो फॉर द इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, यू कैन हैंडल सम स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट टू अंडरस्टैंड कैसे काम होगा ये, और उसके बाद वो नॉलेज आ गई आपको, बहुत ही बढ़िया, यू आर नाउ। अब ये आप ऐसा समझिए एक डायमंड था, वो डायमंड खान में से निकल गया, तो सबसे पहले जब आपने एजुकेशन ली तो आप खान में से बाहर आ गए हो, उस प्लेटफॉर्म पे आ गए, ठीक है। अब उस डायमंड को क्या करता वो कारीगर, काटता छाटता, तो आपको एजुकेशन मिली, उसके शार्प कट्स बनते हैं, आप उसमें ग्रो कर गए, अब आप ग्रो भी हो गए हो, एवरीथिंग इज फाइन। अब उसके अंदर क्या चीज है, अब वो डायमंड कहीं बिकना भी चाहिए ना, मतलब किसी हार में लगेगा तभी तो अच्छा लगेगा, नहीं तो तिजोरी में पड़ा है गोल्डस्मिथ की क्या फायदा। तो हमें समझने की जरूरत है कि आपको क्वालिफिकेशन आ गई है तो आप वो क्वालिफिकेशन को इंप्लीमेंट कैसे करना है, और अगर हमने क्वालिफिकेशन को इंप्लीमेंट सही ढंग से कर दिया तो क्या होगा, हमारे को अपॉर्चुनिटी जो मिस हो जाती है वो मिस नहीं, वी कैन ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटीज वेरी फास्ट ऐसे। तो ये पूरा सीक्वेंस है, आपके पास सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए, फिर उसकी नॉलेज होनी चाहिए, फिर उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने का तरीका आना चाहिए, और तरीका आने के बाद आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही आप तक पहुंच जाएंगे। इसको मैं छोटी सी स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूं, ये पूरी स्टोरी समझिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। जो स्टूडेंट्स है स्पेसिफिकली इस स्टोरी के साथ आप बिल्कुल बटर निकालने की कोशिश करिए आपके साथ कहां कहां अटैच होती है। ये उस जमाने की बात है जो बड़े बड़े हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज होती थी, उसमें अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती थी, एक आपने वो रामायण में पढ़ा ना संजीवनी विद्या, तो दिस काइंड ऑफ चीजें भी पढ़ाई जाती थी, ये उस जमाने की स्टोरी है। तो चार दोस्त थे, उनका अलग अलग चीजों में एडमिशन हुआ, उनमें से एक क्या था कि एक दोस्त जो बोन्स है उनको इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बना सकता था, जिसके हम देख सकते थे ये क्या है, तो बोलते ना कंकाल, किसका कंकाल है, राइट, तो हमें वो ऐसा बना सकता था। दूसरा उस पर स्किन डाल सकता था, वेरी गुड। तीसरे वाला उसको लाइव कर सकता था, और जो फोर्थ था उसको बहुत बढ़िया ब्यूटी करके उसको सुंदर बना सकते। तो ये चारों दोस्त थे, इन्होंने अलग अलग अपनी क्वालिफिकेशन ले ली, बहुत विद्वान हो गए। अब इनके पास क्वालिफिकेशन है, नॉलेज भी हो गई, अब ये जा रहे हैं, इन्होंने कहा अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, लोगों का भला करेंगे, सारों मिलके एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, उसको चलाते हैं। ये चारों ने ऐसी बातें करके चलना शुरू कर दिया, और चलते चलते ये एक जंगल में पहुंच गए, क्रॉस करते हुए उस जंगल के अंदर कुछ छोटी छोटी बोन्स पड़ी थी। अब जो बोन्स को जोड़ के स्केल्टन बना सकता था, उसके दिमाग में देखो मेरी बोन्स है, मैं इसको अभी स्केल्टन बना सकता हूं, तो सब खड़े हो गए, भाई ठीक है, ये तो अपने जो नॉलेज है उसका डेमो दे रहा है। तो उसने तुरंत उसका स्केल्टन बनाया, पर वो स्केल्टन बन गया खतरनाक, स्केल्टन बन गया लॉयन का। तो अब दूसरे ने कहा कि भाई इसने स्केल्टन बना दिया, मैं इस पर स्किन चढ़ाता हूं। तो जो फोर्थ वन था जो ब्यूटी का काम करता था, उसने हाथ खड़ा किया, भाई रुक जाओ यहीं, ये तो लॉयन लग रहा है देखने में, और ये बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर ये लाइव हो जाएगा। नहीं नहीं तो चुप रहा, सर को अपनी क्वालिफिकेशन नॉलेज पर भरोसा नहीं है, देखो मैं अभी करता हूं। उसने तुरंत उस पर स्किन चढ़ा दिया, अब वो लॉयन बन गया। अब उसने कहा भाई ये लॉयन बन चुका है, फोर्थ वाला ने मत करो इससे पंगा कुछ। अब थर्ड वाला बोला भाई मैं इसको लाइव तो जरूर करूंगा,
वरना ये दोनों बोलेंगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। अब उसने कहा फोर्थ वाले ने, भाई रुक जा, दो मिनट रुक जा, अब तुम तीनों मेरी बात नहीं मान रहे हो तो तुम्हारी इच्छा है, पर मैंने बचपन में सुना था लॉन्ग पेड़ पे नहीं चढ़ता, मुझे पेड़ पे चढ़ने दे। उन्होंने कहा हाँ तू डरपोक है, तू जा पेड़ पे चढ़ जा। अब वो चढ़ गया पेड़ पे और थर्ड वाले ने उसको लाइव कर दिया। अब आप समझ गए हैं कि वो लायन क्या करेगा, उन तीनों को मार दिया उस लायन ने, क्योंकि वो उसकी नेचर में है। तो जब आप ऐसे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको बैक ऑफ द माइंड जो बताते हैं, आपको सिम्टम बताएंगे, वो आपको प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। आपको प्रॉब्लम तक पहुंचना है, और प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए आपको एक पता होना चाहिए कि मेरे को प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचना है। नहीं तो आप उन्हीं के सिम्टम में घूमते रह जाएंगे, जैसे ये तीनों दोस्त घूम रहे हैं। और कभी कभी हम अपनी ईगो की वजह से भी उसको ब्लॉक कर देंगे, जैसे इन्होंने ब्लॉक किया, नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये पता होना चाहिए कब आपको कोई चीज पे इंप्लीमेंट करना है और कब नहीं करना। तो ये स्टोरी ने आपको हेल्प की होगी। द फोर्थ वन विल सरवाइव, और उसने अपनी लाइफ को ठीक ढंग से चलाया क्योंकि उसके पास एजुकेशन थी, नॉलेज थी, और वो नॉलेज को इंप्लीमेंट कहाँ करना ये जानता था, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको आप समझ पा रहे हैं कि उनकी क्या हालत हुई, तो आप को ये समझ आ गया होगा। तो इंटर्नशिप को लेके मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स हमारे से इंटर्नशिप करते हैं। दिल्ली NCR में आप हमसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। और सेकंड फेज में हमने ऐड किया है मैनेजरियल, जिन्होंने MBA किया है, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, कैसे उसको बैकबोन चलाया जा सकता है, तो वो आप इंटर्नशिप के लिए हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो आपका, और अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई वर्कशॉप करनी है इसी को लेके, वी कैन हेल्प यू इनटू दिस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस दिल्ली NCR, और बाकी जगह अगर आपको लगता है तो वी कैन टॉक ओवर दैट, अदरवाइज वहाँ कोई ना कोई आप किसी और को सर्च कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली, लेकिन जहां भी आप सर्च करें या जहां भी आप रह रहे हो, आप ये जरूर देखें कि आपको ये काम करना है अगर आपको उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाना है। तो मैं इसको क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ खत्म करूंगा वीडियो को। मैंने एक यूनिवर्सिटी में दिया था लेक्चर NLP को लेके, तो मैंने पूछा था स्टूडेंट से, भाई कितने लोग हैं जो साइकोलॉजी में प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ दो लोग थे। 80 स्टूडेंट का बैच था, 80 स्टूडेंट्स में से दो लोग ऐसे थे जो कह रहे थे प्रोफेशनली करूंगा। तो अगर ऐसा है कि आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, किसी को शादी के लिए चाहिए, किसी को प्रमोशन के लिए चाहिए, किसी को कोई कंपटीशन क्लियर करना है उसके लिए चाहिए, तो फिर ठीक है, फिर मत करिए। लेकिन अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है, आपको कमांड लेनी है, आपको रियली उस प्रोफेशन के अंदर लाइक सन लाइक स्टार्स ब्लूम करना है, तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, जहां से भी करें, और प्रोजेक्ट करने चाहिए। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।